नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं नवविक्रम सिंह। आज अपने विशेष कार्यक्रम द लॉ मेकर्स में आपको मिलवाएंगे उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद संगीता यादव से। मैम, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सबसे पहले तो जानते हैं संगीता यादव जी के राजनीतिक सफ़र के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में कब आपका इंटरेस्ट जागा, कब आपको लगा कि मुझे एक सामान्य प्रोफेशनल लाइफ से अलग राजनीति में आना है। देखिए, मैंने जब मैं हाई स्कूल में थी तभी से मैंने झुग्गी झोपड़ी के बच्चे गाजियाबाद में मेरे फादर की पोस्टिंग थी और मैंने पढ़ाना भी शुरू किया। उस समय भी कुछ कुछ तो मुझे पॉलिटिकल पावर की नॉलेज तो मुझे हो गई थी क्योंकि मुझे कई जगह मिलने जाना पड़ता था। लेकिन फिर मैंने उसके बाद UPSC की तैयारी किया, फिर वहाँ मेरा हुआ नहीं। फिर मैं उसके पहले HIV पॉजिटिव लोगों पर मैंने काम शुरू कर दिया था और ब्लाइंड बच्चों पर। फिर जब इन दोनों सामाजिक कार्यों में बहुत मैं आगे बढ़ी तो मुझे लगा कि ये फील्ड मेरे लिए अच्छा है और 2013 में ही मैंने अपनी पार्टी ज्वाइन की BJP और 2014 से संगठन के पद पर भी आ गई और लगातार मैं काम करती रही संगठन में। और बस 2017 में पार्टी ने टिकट भी दिया, 17 से 22 विधायक भी रही जी। इस बार सांसद के आपके साथ हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि सामाजिक कार्य में खासतौर पर जब हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, क्योंकि पूर्वांचल जिस क्षेत्र से आप आती हैं उस क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि हमने कई बार सदन में मुद्दे उठते हुए देखे महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने क्या नई पहल की जब आप राजनीति में आई अपने क्षेत्र में। देखिए, मैं जब 2014 में मैंने चौचरा विधानसभा में काम करना शुरू किया तो सबसे पहले मैं आशा बहनों से मिली, आंगनबाड़ी से मिली और जितने भी हमारे प्राइमरी के टीचर थे महिलाएँ, मैं उनसे मिली। लेकिन जो सबसे कमज़ोर तबका मुझे लगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का लगा, तो मैंने उसी में काम शुरू किया जी। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं उस समय सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं के नंबर समूह सखी के नंबर लेकर फ़ोन करती थी तो फ़ोन उनके या तो उनके पति उठाते थे या उनके बेटे जी। लेकिन अभी वो चेंज हो गया है, मैंने लगातार उसी पर काम करना शुरू किया और आज मैं जिस क्षेत्र से मैं विधायक थी चौचरा से, मैं आज कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा तो कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन और क्षेत्र के मुकाबले में वहाँ 1690 समूह हैं। सभी समूह सखियाँ मेरे संपर्क में हैं और उनके प्रोडक्ट को देवरिया में 1 District 1 प्रोडक्ट में रखवाया भी मैंने। खादी ग्राम उद्योग से भी मैंने काफ़ी उनको 35% लोन मिलता था, 35% छूट थी। वो पचौरी बाबू जी हमारे मंत्री थे और अधिकारियों के सहयोग से मैंने बहुतों को पैसा दिलाया। फिर खादी बोर्ड से भी मैंने उनको पैसा दिलाया, उसमें भी 80% की छूट थी मधुमक्खी पालन में। तो कई स्तर पर मैंने काम किया है और मैं प्रयास बस यही आज भी करती हूँ। अभी मैं जब सांसद हो गई तो मैं माननीय मंत्री नारायण राणे से मिल के आई, मैंने कहा देखिए कैसे भी करके उन महिलाओं को प्रोडक्ट को हम बाज़ार में बिकवा सके। फिर उस समय नकवी जी मंत्री थे, मैं उनसे भी मिली तो मैंने अपनी महिलाओं को वो भी दिलवाया, स्टॉल दिलवाया हुनर हाट में। तो कई स्तर पे मैंने प्रयास ये किया, जो खादी ग्राम के जितने स्टॉल लगते हैं उनमें मैंने उनको स्टॉल दिलवाया और प्रयास ये भी करती हूँ कि मेरे से जो भी हो सकता है जिस पटल पे भी, चाहे वो विधानसभा का पटल हो जी, चाहे माननीय मुख्यमंत्री का हो या सेंट्रल मिनिस्टर हमारे, अब तो हम सब में सबके संपर्क में हूँ, मेरा प्रयास यही रहता है कि उन समूह सखियों के सामान को कैसे बाज़ार में बिकवा दिया जाए जी। मैम, दूसरा सवाल मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जनप्रतिनिधि के तौर पर आप की जब यात्रा शुरू हुई, आप विधायक बनी, पूर्वांचल के मुद्दे हों, अपने क्षेत्र के मुद्दे हों, आप विधानसभा में आपको लगता है कि उठा सकी हैं और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई नई पहल अपने जनप्रतिनिधि के तौर पर की? देखिए, मैं तो इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी कि मैंने मंच से जितनी घोषणाएँ की थी कि मैं अगर विधायक बनी तो मैं ये करूँगी, उसका डबल मैंने वहाँ पे करके दिया है। और मैं इस मीडिया के सामने कह रही, कभी भी आपका अवसर लगे चौचरा में, मैं आपको 5-6 चीज़ें तो गिनवा भी देती हूँ। मैंने मन से बोला था कि मैं अगर जीत गई, क्योंकि हमारे 2 बच्चों का रोड एक्सीडेंट में एक्सरसाइज करते हुए देहांत हो गया था, कि अगर मुझे अवसर मिला तो मैं स्टेडियम बनवाऊंगी, मैंने बनवाया। वहाँ लो वोल्टेज की बहुत दिक्कत थी, मैंने 2 विद्युत उपकेंद्र करवाए। वहाँ हमारे जो चौचरा महोत्सव का नाम आपने भी सुना होगा, हमारे यहाँ वहाँ जुआ अड्डा था जो शहीद स्मारक था, उस पर मैंने पूरा पैसा दिलवाया। हमारे यहाँ त्रिकुला मंदिर है, बहुत श्रद्धा का गेट था, वहाँ के लिए मैं 2.5 करोड़ का फंड दिलवाया। और सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सड़कों का था, एक गाड़ी का टायर 3 महीने में बदलना पड़ता था, लेकिन अब जिस गली में भी जाएंगे तो वहाँ पे
रोड का अभाव हमारे यहाँ नहीं। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री थे केशव प्रसाद मौर्य, चौचा के नाम पे तुरंत साइन कर देते थे उनकी बहुत, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही आशीर्वाद रहा। मैं जैसे कोई चौचा विधानसभा कोई भी प्रस्ताव देती थी तो मुझे बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा, और मैंने जिससे कहा जितना पब्लिक से वादा किया था उससे बहुत ज़्यादा वापस किया। 3 तो फ्लाईओवर मैंने बनवाए और चलवा भी दिए 3 रेलवे की मदद से, रेलवे बोर्ड में उससे मैं मिल के गई थी। तो काम की तो कुछ ऐसा मुझे मतलब मैं उस चीज़ को लेके वो नहीं कि मैं और क्या कर सकता, पॉलिटेक्निक करवाया, एक ITI करवाया है तो जो मैक्सिमम था, जबकि 2 साल का टाइम तो कोरोना में भी गया है जी। तो मैक्सिमम हुआ है मुझे अभी इस चीज़ को लेके नहीं है। हाँ ये कि अब कुछ मौका मिलेगा तो मैं और भी कुछ करूँगी। मैम वही समझना चाहेंगे, बावजूद इसके अब विधानसभा में जब आपका टिकट कटा तो आपको कुछ मलाल हुआ उसका कि इतना काम करने के बावजूद भी अगर टिकट कटा तो मलाल? देखिए दुख तो लगता ही है कि मुझे तो, मैं इस बार कल्पना से भी परे था कि मैं भी अब बाहर हो सकती हूँ, लेकिन ये कि 2 फरवरी को मेरा टिकट कटा, और टिकट कटा क्या, पार्टी ने गठबंधन में दिया और कुछ अपने हम भी, मैं पार्टी के चूँकि पद पे भी नेशनल सेक्रेटरी भी महिला मोर्चा की हूँ तो पार्टी की कुछ अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं और बहुत बड़े उसमें देखना जाता है, तो तकलीफ तो हुई लेकिन पार्टी पे विश्वास था कि कुछ अच्छा हो जाएगा। इस बात पे 2 फरवरी को मेरा टिकट कटा और 9 फरवरी को मैंने दूसरे का प्रचार शुरू कर दिया जी। हाँ तो ये मुझे विश्वास तो था लेकिन उस समय तो तकलीफ होगी। वही बिल्कुल जैसा कि मुझे जानकारी है, मैंने भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव कवर किए, तो आप तुरंत दूसरे के प्रचार में जुट गई। 9 फरवरी को मैं तो ये जब आपको राज्यसभा सांसद के लिए आपको बताया गया कि आपको पार्टी उम्मीदवार बना रही है, तब कैसा महसूस हुआ? आपको लगा कि राज्यसभा उम्मीदवार वो कहीं जो टिकट आपका कटा था कहीं ना कहीं उसका आपको यहाँ पर फल मिला है? देखिए ये तो जब मैंने सुना तो मुझे एक हमारे पार्टी के बड़े नेता ने फ़ोन किया कि संगीता तुम्हारा राज्यसभा में, तो मैंने कहा आप BJP की साइड पर आ गया क्या, क्योंकि मुझे तुरंत तो मेरा टिकट कटा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ और मुझे बहुत गिफ्ट टाइप का लगा और मेरी तो आँखें भर गई थी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा दूसरा आपसे अब समझना चाहेंगे इसी बात को लेकर, बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन जब हम सदन में आते हैं तो देश भर के तमाम मुद्दे हैं, देश तमाम विचार हैं, दक्षिण में अपने अलग मुद्दे हैं, उत्तर में अलग मुद्दे, अगर हम प्रदेश में भी बात करें जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा के अलग मुद्दे हैं, निमाड़ के अलग मुद्दे हैं, लेकिन जब हम पूरे देश की बात करते हैं तो वो एक बड़ी पंचायत में जब डिस्कस होता है उस पर विचार होता है, वो आपके लिए अनुभव कैसा था और उस बीच में आप अपने मुद्दे किस तरीके से उठा पाए? देखिए मैं तो अभी पार्लियामेंट में मुझे बहुत दिन नहीं हुआ है लेकिन प्रयास मेरा यही रहा है कि देखिए कुछ जो आपने कहा कि अलग अलग क्षेत्र के मुद्दे हैं, तो मैंने अभी पहला मुद्दा, मुझे कुछ पहले मैं HIV पॉजिटिव लोगों पे काम करती थी तो एक मुद्दा बहुत दिन से मेरे जहन में था, जो मैं विधायक रहते भी मैंने मुद्दे उठाए थे लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ा देश का प्लेटफॉर्म है तो मैंने इसको अपने 0 और स्पेशल मिशन दोनों में लगाया कि केवल 15 लाख हमारे HIV पॉजिटिव सारा खर्चा सरकार उठाती है तो हम उनको आयुष्मान कार्ड की सुविधा क्यों ना दे दें। अभी मैंने एक मुद्दा ये उठाया था और अभी दूसरा भी 0 और में दूसरा भी मैंने दिया है, वो आ नहीं पाया कि जितनी भी हमारी जैसे हमारे अपने मकान सांसद के हैं, ये सरकारी बिल्डिंग है, सबके बिजली के बिल सरकार पे करती है तो हम सोलर का जो हम रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन उसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इसी बिल्डिंग को क्यों ना करें, तो ये भी मैंने दिया। और देखिए मेरा प्रयास यही रहेगा कि कोई भी ऐसी मुद्दा जो महिलाओं से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो, बच्चों से जुड़ा हो, तो मैं प्रयास यही करूँगी कि उसको 0 और स्पेशल मेंशन या माननीय मंत्री से मिलके उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकूँ। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, पूर्वांचल से चूँकि आप जुड़ी हुई हैं, आपको क्या लगता है कि बीते जो वर्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या फिर उससे पहले भी जो सरकार राज्य में जो सरकारें रहीं, पूर्वांचल के जो विकास की गति है, जो विकास की बयार है वहाँ, वो उतना पहुँच चुकी है कि अब प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है आपका क्षेत्र, आपको लगता है कि जो वहाँ के मुद्दे हैं वो पटल पर अब उठाए जाने लगे हैं, उनको प्राथमिकता दी जा रही है? देखिए पहले भी जब से 2017 में सरकार बनी हमारी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो मैं देखिए गड्ढे बहुत खुदे हुए हैं लेकिन ये कि अब सड़कें बहुत अच्छी बनी, बिजली का काम बहुत अच्छा हुआ, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत अच्छे हुए, प्राथमिक स्कूलों में कायाकल्प की योजना के माध्यम से बहुत अच्छे काम हुए और निरंतर सबसे बड़ी बात देखिए अपराधियों पर भी शिकंजा कसा नहीं, तो ये सोचा ही नहीं जाता था कि अपराधियों पर कोई डायरेक्ट हाथ डाल सकता, तो ये सब चीज़ें 5 साल में बहुत अच्छी सुधार, और सरकार ने देखिए जो भी अच्छे काम किए उसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार 37 साल बाद UP में सरकार कोई रिपीट हुई है जी। तो ये सब जनता ने दोबारा विश्वास भी दिखाया, तो
कुछ मुद्दे अभी बाकी भी हैं और कुछ अभी करने हैं। अभी तो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और ये अनवरत चलती रहेगी, बस आशीर्वाद जनता का मिले। एक सवाल आपसे समझना चाहूँगा उस क्षेत्र को लेकर, आप जिस विधानसभा से आती हैं या फिर उस ज़िले को लेकर, आपका क्या विज़न है कि आगे वहाँ और क्या बेहतर हो सकता है, चाहे पर्यटन को लेकर हो या फिर किसी भी बात को लेकर, आपका विज़न क्या है अगले 5 साल 10 साल 15 साल के लिए? मैं तो जिस जिले से आती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी उसी जिले से हैं और मैंने जिला अडॉप्ट किया देवरिया, तो मेरा प्रयास पूरा पूर्वांचल ही, मतलब एक तो देखा जाए तो प्रयास देखिए यही है कि मेरे करने से पहले वहाँ माननीय योगी जी पहले ही प्राथमिकता काम हो जाते, लेकिन एक मैंने बहुत दिन से चाह रही थी कि देखिए जो अभी अगर हम गोरखपुर पहुँचते हैं तो मठ तो है ही हमारा वहाँ पे, अभी वहाँ पे एक दर्शन का अच्छी जगह है और पर्यटन के हम लिहाज से देखें रामगढ़ ताल पर भी अच्छा काम हो गया है, लेकिन एक ट्रेंगल अगर हम बना दें खलीलाबाद में, देखिए कबीर जी क्या है, वहाँ से आप निकलिए चौड़ी चौरा में आप आइए, बहुत बड़ा हमारा शहीद स्मारक है, 1921 का असहयोग आंदोलन की स्मारक है, उसका देख के यहाँ करिए और उसके बाद तुरंत आप सामने से कुशीनगर चौड़ी चौरा से आप निकल जाएंगे कुशीनगर, वहाँ बौद्ध धर्म की है, और फिर खलीलाबाद होते हुए गोरखपुर, तो विद इन 2 डेज आप एक अच्छा पैकेज बन सकता है। जैसे मैंने पहले भी प्रयास किया था लेकिन कोरोना की वजह से हो नहीं पाया, तो मेरा ये प्रयास हुआ कि जो भी बाहर से लोग आते हैं वो चाहते हैं कि 2 डेज में उनका मैक्सिमम हो जाए, तो आपके 2-3 धार्मिक स्थल भी हो जा रहे हैं, पर्यटन स्थल अच्छे हो जा रहे हैं, तो मेरा प्रयास इसमें काम करना रहेगा। और दूसरा प्रयास ये रहे कि जो हमारी महिलाएँ सेल्फ हेल्प ग्रुप की हैं उनको कैसे मैं और रोज़गार से जोड़ सकूँ, इस पर काम करूँगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा और लौटेंगे सदन में आपके अनुभव को लेकर कि प्रश्नकाल और शून्यकाल सदन में बेहद अहम है, जहाँ जो सदस्य हैं वो अपनी बात रखते हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि स्पेशल मेंशन में भी आपने कई अपने मुद्दे उठाए हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये कितने अहम हैं और जो बाकी सांसद हैं या फिर देश की जनता है उनके लिए कितना अहम है जो आप लोग मुद्दे उठाते हैं शून्यकाल प्रश्नकाल के दौरान? देखिए मैं जब कोई प्रशासन से हार जाता तब वो शासन के पास आता, तो हम पब्लिक का इतना विश्वास है कि हम अगर कोई मुद्दा उठा देंगे तो उस पर सॉल्यूशन शुरू हो जाएगा, तो ये उस जनता के। और देखिए एग्ज़ाम पास करना अलग कैटेगरी होता है, हम खुद लिखते हैं हमारी कॉपी को चेक करते हैं हम पास हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतना तो हम दूसरे की मत से बनते हैं, जब वो सहमत होता है कि आप इस काबिल है तब आप वहाँ पहुँचेंगे, तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए निरंतर जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं वो विश्वास अगर ये लगातार उठता रहेगा चलता रहेगा तो वो पब्लिक में विश्वास बना रहेगा और पब्लिक ये मानेगी कि मेरे काम निरंतर चल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, आपने एक नई पहल यहाँ सांसद आवास जो आपको है वहाँ पर भी की है, जैविक सब्जियां उगाने की, उसे पीएम ने भी उसे अप्रिशिएट किया था, तो उसके बारे में बस और आखिरी में समझना चाहेंगे कि वो किस तरीके की पहल है और उसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे पास कोई खेत नहीं है, मैं सांसद जरूर, तो मेरे पास शुरू से मुझे 7-8 साल से जब से मुझे शौक है कि मैं हमेशा कोई भी हो मैं सब्जी, मेरे पास आप किसी भी टाइम मेरे घर पर आएंगे तो 4 चीज़ आपको हमेशा मिल जाएगी, धनिया लहसुन हमेशा, हरी मिर्च और पुदीना, पुदीना तो कभी कभी सूख भी जाता है, लेकिन ये 4 चीज़ें मेरे साथ हमेशा गमले में रहती है कि कभी भी आप मेरे पास में आएंगे तो वो चारों रहे। अभी मैंने उसको शुरू किया था लखनऊ मेरे आवास में, मैं माननीय मोदी जी ने ट्वीट भी किया, तो मैंने देखा अच्छा मैं कभी कोई खाद केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ, सो हमारे घर में सब्जियों को छिलके आते हैं उसी को मैंने गड्ढा खोद रखा है उसमें वो डबा देते हैं और 1 हफ्ते 10 दिन बाद वो खाद बन जाता है वही डाल देते हैं, या फिर जो हमारे स्टाफ होते हैं कहीं काम वाम करते हैं कहीं राख वाख मिल जाती है तो वो ला के डाल दिया, और नारियल का बुरादा हो जाता है वो डाल लेते हैं, ऐसा मैंने कोई खर्चा कभी नहीं किया। इवन जो माननीय मोदी जी ने ट्वीट किया था वो मैंने मेरे घर की पुरानी टंकियाँ थी उन्हीं को काट के मैंने बीच में से, क्योंकि 18 इंच की से अगर ज़्यादा की मिट्टी आपकी होती 24 इंच तक की तो कोई भी फसल आराम से हो जाती है, तो मैंने उसी को पेंट करके कर रखा था। और मेरे यहाँ मैं आपको बताऊँ मेरे पास केवल 7-8 पेड़ बैंगन है, कम से कम 1 कुंतल बैंगन निकला होगा, मेरे आस पड़ोस के लोग भी थक गए थे कि मैडम बैंगन मत भिजवाइएगा, टमाटर भी बहुत है, तो अगर हम बहुत छोटा सा एरिया है मेरे छत का लेकिन इतनी सब्जी हो जाती है कि अगर आप ठीक से मतलब बहुत अति तरह नहीं बनाए सब्जी तो 4 लोग से तो कभी खरीदनी नहीं पड़ेगी बस आलू छोड़ के। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं संगीता यादव जी जिन्होंने अपने सदन के अनुभव के अलावा तमाम जो राजनीतिक जीवन के अनुभव हैं वो हमसे साझा किए। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, आप हमारे ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए संसद टीवी।